हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल श्री जी एंश्योर। द होल वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग देयर मनी हेयर एंड देयर, बट डू यू नो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया राइट नाउ। आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि इंडियंस इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, जहां पर मिलती है आपको बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस विच मेक्स योर लाइफ बेटर। सो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, बट एज पर सेबी सर्वे इन 2019, 95% जी हाँ 95% ऑफ द इंडियन फैमिलीज प्रेफर्ड बैंक FDs, and less than 10% were keen to invest in mutual funds and stocks. And India total deposits was reported at 2,242.775 USD, yani kareeb 2500 US billion dollars sirf March 2022 mein. This is amazing. Is data se pata chalta hai ki Indians kitna believe karte hain FDs par. Iska reason ye hai कि एफडी में लोगों को फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, और जो लोग मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में जाना नहीं चाहते, उनके लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन है। एफडी के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई अकाउंट क्रिएशन या केवाईसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। आपको बस अपने बैंक को बोलना है और आपकी एफडी फिक्स हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट की ओर, जो की है प्रॉपर्टी। जी हाँ, इंडिया में लोगों के लिए प्रॉपर्टी बाय करना भी सबसे बढ़िया और ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। हर कोई चाहता है कि शॉप, लैंड, फ्लैट और एनी अदर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले ली जाए, और कुछ सालों में ही रेट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट भी इंडियन इन्वेस्टमेंट का सबसे कॉमन मेथड है। नेक्स्ट वन इज EPF। इन द फाइनेंशियल ईयर 2020, अ टोटल ऑफ 11 मिलियन पीपल अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स जॉइन द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इन इंडिया। और ये सही भी है, इंडिया में लोग अपनी सैलरी का कुछ पार्ट EPF में सिक्योर रखते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर भी उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयज को देता है, जिससे एम्प्लॉयज की सेविंग विद इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एंड इसे विथड्रॉ भी आसानी से किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड इंडियन हाउसवाइफ्स के पास है। ये डाटा देख के आप चौंक जाएंगे। India's household gold reserves valued at over 40% of GDP. मतलब समझते हैं आप इसका? Indian household had stocks up to 25,000 tons of gold, 25,000 टन से भी ज्यादा का सोना, making the country the largest holder of the yellow metal in the world. India में household सिर्फ अच्छा दिखने के लिए gold ज्वेलरी नहीं buy करते, उनके mind में कहीं ना कहीं investment factor भी रहता है, इसलिए इंडियन हाउसहोल्ड्स में गोल्ड बाय करते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। यही वजह है कि गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन इंडिया। ओके, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इतनी रैपिड ग्रोथ से बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया की नजरें आज इंडिया पर है, और इंडिया ने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आज इंडिया में हर साल फाइनेंशियल स्टार्टअप्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अनबिलीवेबल डिमांड। इन मेट्रो सिटीज 4 out of 10 आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, विच इज माइंड बॉगलिंग। इंडियन स्टॉक्स की मार्केट कैप की बात करें तो वो भी 3 trillion अमेरिकन डॉलर से ज्यादा है। स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस बढ़ने के कारण अब स्टॉक्स भी इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट्स बन चुके हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है, इस पे हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप पीछे कुछ सालों से म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टीजमेंट्स टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे, जिसकी वजह से लोगों को म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स समझ में आ रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड्स को भी एज एन इन्वेस्टमेंट अपना रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी काफी सारे म्यूचुअल फंड अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रही है म्यूचुअल फंड को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। स्टैट्स की बात करें तो इंडियन म्यूचुअल इंडस्ट्री AUM stood at 39.34 trillion as on August 31st, 2022, जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि इंडियाज म्यूचुअल फंड को भी कॉमन इन्वेस्टमेंट मेथड बना रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों, इंडिया में रहकर हम लाइफ इंश्योरेंस को कैसे भूल सकते हैं। इंडिया में लोग अपनी बेटी की शादी हो या बेटे को विदेश में पढ़ाना हो, इन सभी के लिए लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंट पॉलिसीज लेते हैं। इवन फॉर रिटायरमेंट, इंडिया में आज भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
जिसमें छोटी छोटी प्रीमियम जमा करने से पॉलिसी होल्डर्स को मैच्योरिटी पीरियड पे हायर अमाउंट मिलता है, जिससे सेविंग्स भी हो जाती है और उस सेविंग पे अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।